आपको खुश आमदेद कहता हूँ और अल्लाह रबत की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह अपने फजल सुबहान रहमत से हमें उन शतमंद लोगों में शामिल फरमाए जिनके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया खैरुकम तालमान वालमहू तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरने पाक को सीखते और सिखाते हैं अल्लाह सुबहान ताली हमें अपनी किताब मुकद्दस का सही फ़हम नसीब फरमाए और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक बख्शे और कयामत के दिन अल्लाह इस कलाम को हमारा सिफारशी बनाए आज हम सूरत सजदा की आयत नंबर पाँच से अपने दर्स का आगाज़ करेंगे ये आयात पहले तिलावत हो चुकी हैं पहली चार आयत का आयात करीमा का तर्जमा और तफसर हमने कल बयान की थी जिसमें अल्लाह सुबहाना तारा ने किताबुल्ला की सदाकत और हक्कानियत को वाजे किया फिर आसमान और ज़मीन की तख्लीक का तज़करा किया और फरमाया कि अल्लाह रब्ल्ज़त के अलावा कोई आपका सिफारशी और मददगार नहीं जो अल्लाह हब्ज़त की पकड़ से आपको बचा सके अल्लाह सुबहाना वाली ही पूरे नज़ाम कायनात को संभाले हुए और इसको चला रहा है जब से अल्लाह रब ने यह निज़ाम कायम किया है आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ फरमाई और बाकी मखलूक़ इसमें पैदा कि तो अल्लाह सुबहाना तीन हमत से इस निज़ाम को चला रहे हैं आज की आयत क़रीमा में अल्लाह अल्लाबहना हुआ तरशाद ग्रामी है मिन मिन अर्द। का युद्बरामअर्द दबारा है तदबीर करना अल्लाह अल्लाहत आसमानों में आसमानों से ज़मीन की तरफ हर काम की तदबीर करते हैं यानी अल्लाह रब् लज्ज़त हुक्म नाजल फरमाते हैं और अल्लाह रब्ज़त ने जिन फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई है वो उसकी तनफीज़ करते हैं तो गोया कि अल्लाह सुबहाना तरश अज़ीम पर मुस्तवी है जैसे अल्लाह जला शाह नात वबरक़ात को लायक है और वहीं से अल्लाह रबत इस पूरे निज़ाम कायनात को चला रहे हैं और हर काम की तदबीर करते हैं अम्र का माना होता है काम और काम से मुराद यहाँ जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में आसमानों में ज़मीन में इनके दरमियान बहरों बार में सब अल्लाह इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक हो रहा है उसके इज़न के बगैर कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता और पूरा निज़ाम कायनात अल्लाह रब्लत उसकी निगरानी फरमा रहे हैं समा वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है युदबिर मुनसम एल तुम मरुजो फिर उसकी तरफ हर काम जो है उसका जो अंजाम है उसकी तरफ चढ़ जाता है फ़ी योमिन ऐसे दिन में का नाम अलफा सनातन मम तदून के जिसकी की मकदार आपकी गिनती और शुमार के मुताबिक हज़ार साल है ऐसे दिन में अल्लाह रब अपने काम का हुक्म नाजल फरमाते हैं फिर उसके मुतलक जो चीज़ें अल्लाह रब लज़त की तरफ़ उठाई जाती हैं तो इस सारे ये सारा काम ऐसे दिन में होता है जिसकी मकदार अलफा हज़ार साल है मम तदून जो आप शुमार करते हैं अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि इस दिन से मुराद कौन सा दिन है बाज़ मुफसरीन ने कहा कि कुर करीम में अल्लाह रब ने लफ् यौम का इस्तेमाल किया है तो बाज़ात लफज़ यौम से मुराद एक दिन है जो आदि दिन हम गुजार रहे हैं बात अल्लाह रब ने लफ् यौम की ताबीर की है एक हज़ार साल से जिस तरह यहाँ पर है और क़ुरान करीम की सूर्य अल आारज में अल्लाबहना ने उस दिन की सुम्मा या अरुजु अले है फ़ी यौमिन का न हु खमसीन अल्फा सना अल्लाह रबत ने एक दिन की मकदार पचास हज़ार साल मुकरर की है क़्यामत के दिन की मकदार अल्लाह रब ने पचास हज़ार साल मुकर की है ये तीन किस्म के ये जो अल्लाह आयात करीमा है कुरान पाक में अल्लाह रब ने इर्शाद फरमाई हैं तो इससे मुराद क्या है इससे मुराद क्या है तो इस आयत करीमा से साफ़ जाहिर हो रहा है कि अल्लाह रब् जिस काम का हुक्म देते हैं और उस काम की फिर रिपोर्ट अल्लाह रबत को पेश होती है इसकी मकदार एक हज़ार साल है मुफसरी ने लिखा कि हज़ार साल से मुराद क्या है कि अल्लाह रबालज़त ने मलाइा को इस कदर क़वत और ताकत बख्शी है कि ये फ़ासला आसमान की तरफ़ जाना ऊपर उठाए जाना और फिर वापसी का ये आम अगर कोई फ़रिश्तों के अलावा कोई ये मुसाफत तय करे तो उसको पाँच सौ साल जाने में लगें योम इनकान मकदार हो अल्फा सना पाँच सौ साल उसको जाने में लगें और पाँच सौ साल उसको वापसी पर लगें आम जो हमारा शुमार है अगर फरिश्तों के अलावा और कोई इस मुसाफत को तय करे तो इस एतबार से कि आम लोगों के हैसियत के मुताबिक उनकी ताकत के अतबार से ये फ़ासला जो है एक हज़ार साल का है एक हज़ार साल में ये फ़ासला तय हो जो अल्लाह रब लजत के मलाइका, जिनकी अल्लाह रबत ने ड्यूटी लगाई है वो एक दिन और दिन के कुछ हिस्से में तय कर लेते हैं एक दिन फ़ी ओमिन कानदारहू अल्फा ना वो एक दिन या दिन के कुछ हिस्से में ये मुसाफत तय कर लेते हैं इस क़दर अल्लाह रबु ने उनको ये ताकत और क़वत अदा की है एक माना इसका ये है दूसरा माना यह है कि अगर इससे मुराद यानी इससे मुराद फिर हर दिन है आम दिन है जिसमें अल्लाह रब्बुल लजत किसी काम का हुक्म देते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट अल्लाह रबत की तरफ उठाई जाती है या फरिश्ते वो काम करके वापस जाते हैं वही पहुँचा कर वापस जाते हैं तो ये काम जो है आम तौर पर अगर कोई करे तो उसको एक हज़ार साल लगे बाज़ मुफसरीन ने कहा कि इस मुराद क्यामत का दिन ही है इससे मुराद मत का दिन ही है अगर इससे मुराद क़्यामत का दिन है तो फिर एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फरमायाल्फना दिन अल्फ, अल्फ हज़ार को कहते हैं ना हज़ार साल और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सना पचास हज़ार साल तो फिर इससे मुराद क्या है अगर एक ही दिन है तो फिर एक आयत में एक हज़ार साल और एक आयत में पचास हज़ार साल तो इससे मुराद क्या है तो इसके इसका मफहम बाद मुफसरी ने यह ज़िक्र किया है कि ये क़्यामत का दिन मुजरमों के लिए फ़ासे को फाजर लोगों के लिए ये इतना लंबा होगा कि जिस तरह तो क्योंकि मुश्किल की घड़ियां बहुत लम्बी मालूम होती हैं मुश्किल का वक्त बहुत लंबा मालूम होता है तो जाले का यौम आसर हललकाफरीन अगैर यसर ये दिन जो है मुश्किल तीन दिन होगा काफरों के लिए पर बड़ी परेशानी का दिन होगा तो गोया कि ये काफरों के लिए अल्लाह ताला के नाफ़रमानों के लिए बाग़ियों के लिए ये दिन जो है ये पचास हज़ार साल लंबा होगा लेकिन अल्लाह ताला के फर्माबरदार लोग मोमिन लोग मुतकी लोग उनके लिए एक हज़ार साल के बराबर होगा एक हज़ार साल के बराबर होगा क्योंकि अल्लाह रब्ज़त ने ये इस ये जो दिन है क़्यामत का जिसका ये ज़िक्र किया इसके बारे में प्यारे नबी हज़रत महमदरसूल वसम फरमाते हैं कि काफिरों के लिए ये दिन इतना लंबा होगा लेकिन मोमिनों के लिए ये दिन ऐसे होगा जैसे असर से लेकर मग़रब का टाइम जिस तरह हदीस पाक में आता है असर से लेकर मगरब का टाइम हिसाब किताब में जो टाइम लगेगा तो इसलिए ए, ए, इस अतबार से कि काफिरों के लिए ये दिन पचास हज़ार के साल के बराबर होगा और मोमिनों के लिए एक हज़ार साल के बराबर होगा ये अकवाल जो मुफत ने जिक्र किए वो मैंने आपके सामने जिक्र किए तो तौर पर बाज़ ने तरजीह दिए कि फी योमिन कान मकदारहू अल्फा सना ऐसे मुराद आम दिन है जिसमें अल्लाह ताली अपना आर्डर फरिश्तों को देते हैं और वो लेकर आते हैं या वही लेकर आते हैं और वापस जाते हैं उनके वापस आ, आने और वापस जाने में एक हज़ार जो वक्त लगता है वो तो एक दिन या दिन के कुछ हिस्से में नुण वो इस काम को सर अंजाम देते हैं लेकिन अगर कोई आम शख़्स करे फरिश्तों के अलावा तो उसको ये सारा काम आने और जाने में एक हज़ार साल लगे आने और जाने में एक हज़ार साल लगे पाँच सौ साल आने में और पाँच सौ साल वापस जाने में तो ये माना है और इसलिए बाज़ लोग ये इश्काल सामने रखते हैं और इस पर इतराज करते हैं लेकिन इसका जवाब बहुत पहले मुफसरीन दे चुके जो मैंने आपके सामने बयान किया और इसमें कोई क़ुरान पाक में तारज़ या इतराज़ वाली बात नहीं है फरमाया मा तो तउन ये जो हज़ार साल है ये हमारी गिनती के अतबार से है जो दुनिया में हम रह रहे हैं तो हमारी गिनती के एतबार से है उसके बाद फरमाया आलिमुल फरमायालिम्लई बिशहादा रहीम यही वो ज़ात बाबरकात है अल्लाह सुबहाना तिलम्लई बशहादा जो आलिमुल जो हमारे अतबार से जो चीज़ें गैब हैं क्योंकि अल्लाह अल्लाहबल्ज़त के अतबार से कोई चीज़ गैब नहीं है ये गैब जो है जिसका ज़िक्र होता है ये हमारे एतबार से है और ये गैब किस कहते हैं तो बाज़ मुफसरी ने लिखा कि ऐसी चीज़ जिसका हवा से ख़मसा के ज़रिए इदराक ना किया जा सके उसे गैब कहा जाता है अगर इस तारीफ को ही सामने रखा जाए तो जो चीज़ फरिश्ते आकर अम्बयाम को बताते हैं जब तक नहीं बताया था उनके लिए गैब था और जब बता दिया फिर वो गैब नहीं रहा कि उन्होंने वो खुद अपनी इजतहाद अपनी कोशिश से मालूम नहीं किया बल्कि उनको बताया गया इसकी मिसाल यूँ समझिए गैब का माना क्या कि वो चीज़ जो हाजिर नहीं है हमारे सामने नहीं है कुछ हादसा हुआ मिरगाब में मिसाल के तौर पर कोत सिटी में तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने वो हादसा अपनी आँखों के साथ देखा तो वो उसके मौके पर शाहिद थे लेकिन हमें उसका मालूम नहीं था हमारे एतबार से ये हादसा ये गैब है हमारे एतबार से गैब है लेकिन जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके एतबार से गैब नहीं है क्योंकि उन्होंने आँखों से देखा है जब हमें इतला मिल गई किसी ने वीडियो बनाकर भेज दी हमने उसको देख लिया फिर हमारे हमारे लिए वो गैब नहीं रहा हम उसको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं फिर उनके लिए गैब है जिन तक कभी ख़बर नहीं पहुंची तो जो खबर किसी को पहुंचा दी जाती है वो गैब नहीं रहती वो गैब नहीं रहती यही वजह है कि अल्लाह रब्ज़त ने कुरान पाक में गुज्त अम्बिया आरम्सम के वाक़ ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि ये जो चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं तिल का मिन अम्बा गैब ये गैब की खबरें हैं माँ कन तथा हुआ अंत वाला कौमों का नबी आई को अल्लाह तारा ने इशात फरमाया कि आप भी नहीं जानते थे जब तक हमने नहीं बताया और आपकी कौम को भी नहीं पता था कि जब तक उनको बताया नहीं गया तो अल्लाह लज़त तो अल्लाहबल इज़्त के लिए कोई चीज़ गैब नहीं है तो ये गैब हमारे अतबार से है तो हमारे इतबार से कोई चीज़ गैब है या शाहिद है सामने मौजूद है अल्लाह तब को जानने वाला है उसका इलम कामिल है उसका इलम कामिल है वो हर चीज़ को जानने वाला है तो इसलिए फ़रमाया शहादा वो ग़ैब को भी जानने वाला है जो चीज़ें गैब हैं हाजिर नहीं हैं उनको भी जानने वाला है जो मौजूद हैं सामने उनको भी जानने वाला है अल-अजीज और रहीम अल-अजीज ये इज़्ज़त के आजमायसन में से एक मुबारक नाम है इसी तरह रहीम तो अज़ीज़ का माना गालिब जो सब पर गालिब है अल्लाह अल्लाहब सब पर गालिब है वल्ल गिबलाम रही अल्लाह रब इज़त वह ज़ात बबरक़ात है जो कभी मगलूब नहीं हुआ जो कभी मगलूब नहीं हुआ वो अज़ीज़ है वो क़वत वाला है वो सब पर गालिब है अर रहीम वो रहम करने वाला है दोनों आसमाय हुसन यहाँ जिक्र किए गए कि कि़ालमों को पकड़ने पर भी कादिर है कोई उसकी पकड़ से छूट नहीं सकता और जिन पर अल्लाह ताली रहम करना चाहता है उन पर अरहम राहमीन भी है जिसको वो बख्शना चाहता है जिसको मुआफ़ करना चाहता है तो गोया कि अपने मुती और फरमाबरदार लोगों के लिए वो रहीम है और अपने मुखालफ उनके लिए वो अज़ीज़ है गालिब है उसके बाद फरमाया अल्लाह ताला वो ज़ा बाबरकात है अल्लाह जिसने अहसना कुल शल खलकहु जिसने बहुत उम्दा बनाया हर उस चीज़ को जिसको उसने पैदा किया अब कायनात में अल्लाह इज्जत ने जितनी मखलूकात पैदा की हैं सब को अल्लाह इज्जत ने अपनी हिकमत के मुताबिक बेहतरीन ढांचे में बेहतरीन कालब में और बेहतरीन सूरत में पैदा किया जैसे अल्लाह ताला की हमत का तकाज़ा था हर चीज़ को यानी कोई ऐसी चीज़ अल्लाह इज़त ने जो चीज़ें पैदा की हैं वो जानवर हैं वो पहाड़ हैं वो नबाता हैं वो जमादात हैं हशरात हशरातल लर्फ़ हैं जो भी पैदा किया हर एक चीज़ को जब इंसान सामने रखता है तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था अल्लाह ताल उनके अज़ाय बदन उनकी आँखें उनके पाँव उनके हाथ अल्लाह इज़्ज़त ने ऐसे मुनासब बनाए जैसे उसको लायक था जैसे उसको लायक था आप अंदाज़ा फरमाइए कि अगर अल्लाह सुबहाना व चौपायों को भी जिन पर हम बोझ लाते हैं या सवारी करते हैं अगर उनको भी दो ही टांगें देता जिस तरह इंसान को दिए हैं और इसी तरह उसका भी कद इस तरह बनाता तो फिर हम उसके कंधों पर बैठकर सवारी करते कितना बोझ हम उस पर लाद सकते थे तो अल्लाह ने उनको सवारी के लिए और बार बरदारी के लिए पैदा किया है इसलिए अल्लाह रबुल्ज़त ने उनकी डील उनकी साख्ती ऐसी बनाई है कि वो बड़ा बड़ा भारी बोझ जो कि दो चार इंसान भी मिलकर नहीं उठा सकते एक छोटा सा खच्चर जो है वो इतना बोझ उठा कर चला जाता है तो परिंदों को और फिर अल्लाह तो आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने परिंदे कितने खूबसूरत परिंदे बनाए हैं उनको अल्लाह इज़्ज़त ने जो रंग दिया है उनके परों को कितना खूबसूरत है वो रंग कभी फीका नहीं पड़ा बारिशों में गर्मियों में सर्दियों में उनका वो रंग बरकरार रहता है जब तक वो ज़िंदा रहते हैं उनके परों का जो रंग है तो वह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ज़ात वबरक़ात है अहसना शयन खला कहू जिसने हर चीज़ को तमाम मखलूक उसको अहसन अंदाज में अहसन शक्ल सूरत में मुतनासब आज़ा के साथ अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने उनको पैदा किया है और फिर इंसान इंसान का जब अल्लाह रब्बुल अल्लाहत ने जिक्र किया है तो आगे जिस तरह इस आयत करीमा में भी है और सूरा मोमिनून के शुरू में भी है कि अल्लाह सुबहाना व त नेान का जिक्र करते हुए फरमाया वलद खलक नलसान मिन सुलतमिन तीन हमने इंसान को मट्टी के खुलासे और जौहर से पैदा किया सुम्मा सुम्मा सला जाना नफ्फ़ा तनफी मकीन, फिर एक महफूज जगह तक नुतफ़े की शकल में उसको एक मुद्दत तक ठहराया सुम्मा खलकना नुफा त अलाका फिर हमने उस खून उस नुतफ़े से खून का लोथड़ा बनाया फ़खलकना नल आलाका ता मुदा फिर उस खून के लोथड़े से गोश्त का पीस बनाया फ़खलकना मुदगा इज़ामा फिर हमने उस गोश्त के पीस में हड्डियाँ बनाईं फ अलहमा फिर उन हड्डियों पर हमने गोश्त चढ़ाया ये सारी इंसान की तख्लीक़ करने के बाद फ़रमाया तुम मानशा अना हो खल आखर फिर हमने इंसान को मट्टी की पानी की बूंद से हमने इसको जीता जागता इंसान बनाया और ये तजकरा करने के बाद फ़रमाया फ़त बारकल्ला अहसनकिन बस वो कितना बाबरकत है बहुत ही बाबरकत है जो सबसे बेहतर तख्लीक़ करने वाला है अल्लाह ने अपनी मखलूक में से इंसान को सबसे बेहतर तकवीम में बेहतर ढांचे में और बेहतर सूरत में पैदा किया है जैसा कि अल्लाह रबत ने तीसवें पारे में भी पाँच कसमें उठाकर व तीन व जैतून व तूरसिन वहाज़ अलबालादमीन पहली कसम व तीन तीन की कसम जैतून की कसम तूर सीन की कसम तूर सेना जो पहाड़ है वहाज अलबलादिलमीन और मक्का शहर की कसम अमन वाले शहर की कसम उसके बाद लक़द ये दो लफज तकीद के लिए जो कसम कवाना देते ये पांचवी कसम है पांच कसमें उठाकर अल्लाह रबत ने फरमाया खलकन अल इंसान अहसन तकवीम हमने इंसान को सबसे बेहतर ढांचे में सबसे बेहतर तकवीम में बनाया अब देखिए हम जो अपने सामने देख रहे हैं अगर मिसाल के तौर पर आंखें अल्लाह रब्बुल इजत एक आंख आगे लगा देता एक पीछे लगा देता तो उसको पूछने वाला नहीं था लेकिन उसका क्या इंसान को मुश्किल पेश आती आप अंदाजा लगा सकते आंखें अगली तरफ होती नाक पिछली तरफ होती अल्लाह ताला इस बात पे कादर था लेकिन उस मालिक ने हर चीज़ को मुतनासब आजा के साथ और फिर इंसान को सबसे बेहतर कालब और ढांचे में अल्लाह रबाल ने पैदा किया आप जानते हैं कि दुनिया में बाकी जितने चिरंद हैं परिंद हैं, हैवानात हैं और परिंदे हैं सारे तो जो भी चलता है या उड़ता है तो उसका सर जमीन की तरफ होता है सिर्फ इंसान एक वाहिद मखलूक है अल्लाह ताला की तख़लीक का शाहकार है जो जब चलता है तो सर उठाकर चलता है क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें अपनी अपनी अल्लाह ने उनको जो ड्यूटी लगाई है उसके मुताबिक अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं कभी किसी जानवर ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की किसी परिंदे ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की अल्लाह रबुलज़त ने सूर्य हज में फरमाया कि सारे दवाब सूरज चाँद दरख्त हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है जब इंसान की बारी आई उसी आयत के अंदर वक़ीर उमिन नास बाकी सब का टोटली तौर पर तजकरा किया लेकिन इंसानों में इंसानों में भी बहुत सारे सजदा करते जिसका माना कि इंसानों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अल्लाह तला की इतावत और फर्मबरदारी नहीं करते अल्लाह को सजदा नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को चूँकि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ऐसी डोल डाल और शक्ल डील और शक्ल दी है कि सर उठा कर चलता है क्योंकि इसका सर सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकेगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा जो अपना सर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकाएगा अल्लाह ताला ने उसको मुशरिक करार दिया और फरमाया कि अल्लाह की निगाह में वो गिर जाता है अल्लाह की निगाह में गिर जाता है तो फरमाया वदाखल कल इंसान मिन तीन अल्लाह तला ने इंसान की तख्लीक को शुरू किया तीन से तीन के मिट मट्टी से जिस तरह की यदीस पाक में आता है कि ज़मीन के हर खत्ते से हर ज़मीन की किस्म से मट्टी लेकर अल्लाह रबुल्ज़त ने अपने हाथों से आदम की तख्लीक की तो सबसे पहला इंसान उसको अल्लाह ने किससे पैदा किया मट्टी से उसके बाद जो आगे नस्ल चलाई अल्लाह रब्ज़त ने वो पानी की बूंद से वो नुतफे से तो अल्लाह रब फरमाते हैं बदा और उसने आगाज़ किया खल कल इंसान इंसान की तख्लीक का मिन तीन मट्टी से सुला नसला हूँ मिन मा इम महन फिर अल्लाह रबु ने उस इंसान की नस्ल को बनाया यानी आदम की आगे नस्ल चलाई तो इंसान से मुराद आयत में हज़रत आदमाम हैं आगे फिर उसकी नसल को अल्लाह रब्ज़त ने चलाया मिन सुलालातिम तिम मम मा इम कहते हैं खुलासा नचोड़ जौहर मम मा इम माए महन से फिर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने उसकी नसल को चलाया एक हक़ीर पानी से माए महीन ये वो मादा हयात है जिससे अल्लाह रब्ज़त ने इंसान की तख्लीक़ की है तो इसको माय महीन क्यों कहा गया इसलिए कि ये ऐसी जगह से निकलता है ऐसी जगह से निकलता है कि जिस जगह से निकलने वाली चीज़ को महीन और हकीर समझा जाता है मसलन पेशाब निकलता है उस जगह से तो उससे कप, कपड़े इंसान बचाता है अपना जिसम बचाता है इस्तंजा करता है अपनी सफ़ाई रखता है ये पानी भी वहीं से निकलता है इसलिए इस एतबार से इसको कहा गया माए महीन और साथ फिर अल्लाह रबत ने इसका जिक्र इसलिए भी किया कि माए महीन से अल्लाह रब्ज़त ने इस कदर मुअज़्ज़ज़ मकरम इंसान बनाया तो अल्लाह रबत जो चाहे करने पर कादिर है माए महीन से अल्लाह रबुज़त ने इंसान पैदा किया जिसकी तख्लीक के अपने शाह शाहकार पर अल्लाह ताला ने तख्र करते हुए फ़रमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल हसनकिन फतबारकल्ला हो अहसनखालकिन तो ये इसलिए भी ये जिक्र किया कि इंसान जितना बड़ा मालदार बड़े मनसब बड़े अहदे तक ना क्यों ना पहुँच जाए उसको अपनी असल याद रखनी चाहिए ताकि उसमें तकबर ना आए उसमें गुरूर ना आए इसलिए बाज़िल ने कहा है कि वो इंसान जब जो तकबर करता है दुनिया में तो क्या वो सोचता नहीं क्या उसको हक बनता है कि तकबर करे वो तो अल्लाह का शिक्र अदा करे कि जो दो दो मरतबा दो मरतबा पेशाब वाली जगह से खारिज हुआ एक दफ़ा बाप की तरफ से और एक दफ़ा माँ की तरफ से तो इंसान को अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए तो उसके बाद अल्लाह हरबुज़त फरमाते हैं तुम मसवा हो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बराबर किया दुरुस्त किया व नफ़ा खफी है मूह है ही और उसके अंदर उस अपनी रूह पोंकी यानी फरिश्ते ने अल्ला के हुक्म से माँ के पेट के अंदर जो बच्चे की नशो नमा होती है उसके अज़ा बन जाते हैं तीन चालीस में गुजर जाते हैं तो अल्लाह रबुजत फिर फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो उस जिनन के अंदर बच्चे के अंदर रूह फूंके जैसे उसके अंदर ज़िंदगी और हयात आती है और फिर लिख दिया जाता है इसकी उम्र कितनी होगी इसका रिजक कितना होगा ये शकी होगा यह सईद होगा तो अल्लाह रबुजत फरमाते हैं वजह अकम आ वबसार और उस मालिक ने फिर अपने यहाँ यह बात काबिल गौर है कि पहले जो जिक्र किया सुम्मा सवाहु हुआ नफा फीहि है मर्रूह है ही सारे गैब के सीगे हैं ये सारे गैब के सीगे हैं क्योंकि अभी इस प्रोसेस में है इंसान कुछ सुन नहीं सकता कुछ बोल नहीं सकता कुछ देख नहीं सकता तो जब इसके अंदर जिंदगी आई ये सुनने के काबिल हुआ तो फिर अल्लाह इज़्ज़त ने खिताब का सीगा इस्तेमाल किया लकुम फिर खिताब का सीगा इस्तेमाल किया कि अब ये सुनने के काबिल है तो इसमें भी मुफसरीन ने अजीब एक लतीफ़ नुकता बयान किया है कि अल्लाह तारा ने सबसे पहले कान का जिक्र क्यों किया समा का जिक्र क्यों किया समा का जिक्र क्यों किया जबकि दूसरी जगह पर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला फरमाते हैं बच्चा जब पैदा होता है और जमीन पर आता है उसको खुराक की जरूरत होती है तो अल्लाह तौ फेमजल्लुआई नइन व लसान व शफात क्या हमने इंसान के लिए दो आंखें नहीं बनाई, एक जुबान और दो होंठ नहीं बनाए तो वहाँ आँखों का जिक्र किया पहले लेकिन यहाँ पर समा का ज़िक्र किया तो ये इसलिए कि ये मरहला जो है देखने का दूध पीने का ये बाद में आता है ये बाद में आता है पहला मरहला जो होता है अभी कुछ देख नहीं सकता बच्चा जब दुनिया में आया कुछ बोल नहीं सकता हरकत नहीं कर सकता लेकिन सुन सकता है लेकिन सुन सकता है इसीलिए बच्चे के कान में अजान देने का हुक्म दिया गया इसीलिए बच्चे के कान में अजान देने का तो इसलिए जिक्र किया कि सबसे पहले ज़मीन पर आकर दुनिया में आकर इंसान की जो हिस शगाल होती है वो समा है वो कान है आंखें बाद में खोलता है आंखें बाद में खोलता है देखता इधर उधर बाद में है लेकिन सबसे पहले समा इसलिए इसका कान का जिक्र किया व जाकुमस वलब सौर और अल्लाह तला ने तुम्हारे लिए कान बनाए आँखें बनाईं वफ अदा फवाद की जमा और दिल बनाए क्योंकि इंसान को मालूम के लिए इलम हासिल करने के लिए ये तीन चीज़ें बुनियादी हैं ये तीन चीज़ें बुनियादी हैं इंसान सुनता है और फिर देखता है कोई किसी को आवाज़ दे भाई खबरदार तैयार हो जाओ तो पहले आवाज़ सुनता है फिर आंखों से उसकी तरफ़ देखता है जो ही आंखों की तरफ़ देखता है तो आंखें फौरन दिल को ख़बर देती हैं भाई इसके साथ मुकाबला करने की ताकत है अब यह दिल फैसला करता है अगर दिल फैसला करता है कि नहीं वो ताकतवर है तो फिर टांगों को हुक्म देता है भागो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते और अगर ताकतवर है तो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है मुकाबले में डट जाता है तो ये फैसला दिल करता है तो ये तीन चीज़ें बुनियादी थी इसलिए इनका पहले जिक्र किया वजलक मुसम अवल अब सारवल अफ अदा कलीलम मा तश्कुर बहुत ही थोड़ा है जो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कलीलम मा तशकुरून इसके दो तर्जमे एक आम के तुम में से बहुत लोग हैं जो अल्लाह का शक कम लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दूसरा बहुत थोड़ा है अल्लाह की इतनी नियमतें हासिल करने के बाद जो तुम अल्लाह ताली का शिक्र अदा करते हो अल्लाबहाना ताल हमें अपनी किताब मुक़दस की तलीमत को समझने और इन पर अमल करने की तोफ़ी बख्शे अल्लाह तो बीमारों को शिफात फ़रमाए परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए इस तरह हम अल्लाह ताली की किताब का इलम हासिल करने के लिए सीखने और सिखाने के लिए यहाँ जमा हैं अल्लाह तला हमारी हाज़री कबूल फरमाए क्यामत के दिन अल्लाह ताली अपनी किताब मुक़दस को हमारा सिफारशी बनाए और क्या अल्लाह ताली हमें इसी तरह जन्नतफरदौस में जमा फरमाए जिस तरह आज हम यहाँ जमा हैं बारकल्ला फ़ीकुम सुबह कल्लाब हमदाशल्ल तस्त करू कवा ले